नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज भारत और खाड़ी देशों के बीच आतंकवाद रोधी भागीदारी का विकास, यानी कि कह सकते हैं भारत और जो खाड़ी देश हैं उनके बीच संबंधों पर आधारित ये आधारित आपका आर्टिकल लिखा गया है। तो इसमें देखेंगे किस संदर्भ में अभी चर्चा में हाल में, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते संबंधों की पृष्ठभूमि क्या है, उस पर भी बात करेंगे। आतंकवाद रोधी संबंधों का विकास क्या क्या है उसे भी देखेंगे। इसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं देशों के सामने, और आतंकवाद रोधी संबंधों को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या हो सकते हैं, और एक निष्कर्ष इसका सामान्यता क्या कह सकते हैं लास्ट में। तो सबसे पहले आप लोग खाड़ी देशों को देख लीजिए। एक आपका खाड़ी सहयोग परिषद आपने सुना होगा, तो इसमें आपके 6 देश शामिल हैं, और इसका मुख्यालय आपको रियाद संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 25 मई 1981, 25 मई 1981। ये आप हमारा प्यारा भारत है, देख रहे होंगे आपको। खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो इसमें आपके देखने को मिलेगा आपका क्या क्या, देखिए ये ओमान की खाड़ी है, एक फारस की खाड़ी है, आपको इसमें कुवैत देखने को मिलेगा, ये दिख रहा है आपको कुवैत, ओमान देखने को मिलेगा, ये आपका ओमान, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरब अमीरात, ये है सऊदी अरब अमीरात अमीरात, और उसके बाद आपका इसमें कतर देखने को मिलेगा आपको, ये है कतर, कहाँ है ये आपका कतर, बहरीन, ये आपका बहरीन है, ये है आपका सहयोग सऊदी अरब, ये भी शामिल है, कुवैत सऊदी अरब बहरीन कतर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ये सभी देश इसमें शामिल है आपके खाड़ी देश में, खाड़ी सहयोग परिषद, याद रखिए इस परिषद को, इसमें यही देश शामिल है 6। ये हमारा प्यारा भारत, ये आपके पड़ोसी हो गए पाकिस्तान अफगानिस्तान, ऊपर है आपका चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार, नीचे आपका श्रीलंका है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर हो गई, सबसे ज्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से, ठीक है। चलिए हम लोग वापस अपने आर्टिकल पर बात करते हैं। पिछले 2 दशकों से भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों की यथास्थिति में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर से सहयोग क्षेत्र के में विविध क्षेत्रों में विविधता आई है। भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते संबंधों की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक रूप से खाड़ी और भारत के संबंधों का मुख्य आधार ऊर्जा विनिमय, प्रवासी आबादी और उनके द्वारा प्रेषित विदेशी मुद्रा, साथ ही भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी भी इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। विदेशी प्रेषित मुद्रा का मतलब यह है कि जो भारत हमारे भारतीय नागरिक वहां रहते हैं, जो कमाई करते हैं, उसके बाद जो हमारे यहाँ भेजते हैं उसे ही हम लोग प्रेषित मुद्रा कह देते हैं। 2014 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की के लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली UNGA में रेजुलेशन ड्राफ्ट पेश किया, तो संयुक्त राष्ट्र के 177 कितने 177 देश इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गए। इनमें आपके इस्लामिक देशों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और सऊदी अरब ने इसे बिना किसी बहस में पड़े अपनाया और खेल का दर्जा दिया। अपने आपने अभी कुछ ही दिन पहले सुना भी होगा कि हमारे जो कश्मीर वाले मुद्दे पर आपने देखा होगा कि जो इस्लामिक स्टेट थे, यानी कि जहाँ मुस्लिम आबादी भी अधिक है, उन सभी देशों ने भी इस पर आपका साथ दिया था, यानी कि भारत का साथ दिया था, पाकिस्तान का नहीं, समझ रहे हैं? तो इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा जाना, और अबू धाबी में हिंदी भाषा अदालतों में इस्तेमाल होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया जाना भारत के खाड़ी देशों के साथ बढ़ते संबंधों का उदाहरण है। इस मेडल यानी कि सम्मान को भी याद रख लेना, ऑर्डर ऑफ जायद, संयुक्त अरब अमीरात का ये सर्वोच्च सम्मान। अभी आपने देखा है कुछ ही दिन पहले, अभी
पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा, इसमें इस्लामिक स्टेट है इनके बीच उठाया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा हम लोग अपडेट बने रहेंगे। दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा IOC के विदेश मंत्रियों की परिषद CFM के 46वें सत्र के उद्घाटन सत्र में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया जाना खाड़ी देशों के बीच संबंधों में निर्णायक मोड़ था, क्योंकि IOC की सभा को संबोधित करने वाली पहली भारतीय मंत्री हैं। मतलब अब विदेश मंत्री आपकी सुषमा स्वराज का कुछ दिन पहले निधन हो गया ना, आप सभी को पता होगा। उन्होंने इस बार चुनाव भी नहीं लड़ा था लोकसभा का। इस उपलब्धि को भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और पाकिस्तान को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 57 सदस्य वाले OIC के मंच पर भारत पिछले करीब 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार शामिल हुआ है। ये सभी आपने देखा है, इस्लामिक स्टेट है इसमें। वर्तमान में भारत कच्चे तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, और कच्चे तेल की आसानी अपनी आवश्यकताओं का 60% खाड़ी देशों से ही पूरा होता है। इस क्षेत्र से भारत के बड़े राजनीतिक और आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। इसके क्षेत्रीय संगठन यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश भारत के सबसे बड़े कारोबारी साथी भी हैं। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी देश है। इस इलाके में 75 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, जो हर साल करीब 55 अरब डॉलर की रकम हमारे देश भेजते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार रेमिटेंस के रूप में आने वाली कुल विदेशी मुद्रा का 53.5% इन्हीं खाड़ी देशों से हमें मिलता है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में वैश्विक प्रयासों को देखते हुए और तेल पर अर्थव्यवस्था की कीमत निर्भरता को कम करने हेतु सऊदी अरब ने भारत की GDP में बढ़ती आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए प्रोटोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग समेत कई क्षेत्रों में निवेश की योजना भी बनाई हुई है। इंडिया हो गया, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सुरक्षा और नैतिक संबंधों की अगर हम बात करें तो सन 2000 के दशक की शुरुआत से भारत ने खाड़ी देशों के साथ साझा हितों और सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित एक रणनीतिक साझेदारी कायम करने के लिए बातचीत शुरू की है। उस समय लगभग एक दशक तक अरब सागर और हिंद महासागर के साझा जल निकाय में तस्करी और अवैध व्यापार, समुद्री डकैती जैसी चुनौती अत्यधिक हावी थी। खाड़ी और भारत की नौसेना के साथ साथ वायुसेना और थल सेना के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए नियमित रूप से संयुक्त अभ्यासों के आयोजन के साथ खाड़ी देशों के रक्षा कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण के लिए भारतीय रक्षा अकादमियों और संस्थानों का दौरा किया जाता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होने वाले वायुसेनाओं के युद्धाभ्यास डिजर्ट ईगल की शुरुआत 2008 में हुई थी। भारत के लिए UAE की भूमिका केवल तेल आपूर्ति और प्रवासी भारतीयों की आबादी तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे यहाँ के संगठित अपराध, तस्करी, खासतौर पर आतंकवाद विरोधी मुहिम में भी अहम साझेदार है। इसके अलावा 2011 के एक समझौते के तहत दोनों देश आपसी सुरक्षा सहयोग के लिए एक काम भी कर रहे हैं। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच संयुक्त सेना अभ्यास अल नगाह आयोजन होता है। भारत और सऊदी अरब के बीच 2018 में पहला द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास हुआ था, और साथ ही सऊदी अरब से सेना के जवान भारत में 3 साल के प्रशिक्षण के लिए 2018 में नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में आए हुए थे। अब बात करते हैं भारत आतंकवाद और रोधी संबंधों का विकास। भारत और खाड़ी देश दोनों ही आतंकवादी समूह या फिर चरमपंथियों से उत्पन्न हिंसा के शिकार हैं, चाहे फिर वो चरमपंथ स्थानीय हो या फिर किसी बाहर राज्य द्वारा प्रायोजित। इसलिए बढ़ते रक्षा संबंधों को स्वाभाविक रूप से आतंकवाद, कट्टरता को रोकने के लिए सहयोग को मजबूत करने की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के बीच जनवरी 2006 में सऊदी अरब के राजा की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए थे। इसके बाद 2010 में भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान रियाद घोषणा पत्र पर भी पारस्परिक संबंधों
पारस्परिक हस्ताक्षर किए गए। इससे दोनों देशों के बीच साझेदारी की यथास्थिति में बदलाव भी आया है। इन घोषणाओं में आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए, द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को तेज और समन्वित करने के लिए, आतंकवाद गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने, प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने और सजा याप्ता मुजरिमों की स्थानांतरण के समझौते के क्रियान्वयन की आवश्यकताओं पर जोर भी दिया है। यानी कि आपके यहाँ के जो कैदी होंगे उन्हें आपके यहाँ स्थानांतरित करने की बात की जा रही, जो खाड़ी देशों में शामिल होंगे। अधिकांश खाड़ी देश पाकिस्तान के साथ अपने पारंपरिक सौहार्दपूर्ण संबंधों के बावजूद आतंकवाद और पाकिस्तान में पनपने वाले आतंक के गैर राज्य कारकों के खिलाफ भारत के रूख का अधिक मुखरता से समर्थन भी करते हैं। बेस्पष्ट रूप से पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंक के खिलाफ भारत का समर्थन करने के लिए हमेशा आगे भी आते रहे हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान यात्रा के दौरान दोनों देश ऐसी सभी संस्थाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए सहमत हुए जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं और आतंकवाद का नीतिगत साधन के रूप में उपयोग करती हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के 4 दिन बाद ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकवाद के खतरे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए हम सहमत हैं। ऐसे देश जो किसी भी रूप से आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत है। जो ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया आपका, ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं तो इनके ऊपर दबाव बनाने की जरूरत है जिससे आतंकवाद से निपटा जा सके। भारत खाड़ी देशों से आतंकवादी गतिविधियां अथवा अन्य आरोपों में वांछित व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने में सफल रहा है। इनमें से अधिकांश प्रत्यर्पण के मामले में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से हैं। सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में उन्हें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि रक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी सबसे विश्वसनीय भागीदार बना दिया है। भारत की रक्षा सेवाओं की सभी शाखाएं खाड़ी क्षेत्र के साथ पारस्परिक संबंधों में प्रतिभागी हैं। सभी खाड़ी राज्य भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के सदस्य भी हैं, जिन्हें 2008 में हिंद महासागर के नौसेना प्रमुखों के एक द्विवार्षिक फोरम के रूप में स्थापित किया गया। खाड़ी देश भी भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास का मिलन का हिस्सा है। ओमान का दुख्म बंदरगाह भी भारत के लिए भी खुला है, जो हिंद महासागर के सबसे गहरे समुद्री बंदरगाहों में से एक है। अगर हम लोग चुनौतियों की बात करें, इन देशों के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? ये इलाका बहुत ही उठापटक वाला यानी राजनीतिक रूप से अस्थिर है। कौन? खाड़ी देशों की बात कर रहा हूं। इस क्षेत्र से भारत के बड़े राजनीतिक और आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। इसके क्षेत्रीय संगठन यानी कि गल्फ कोऑपरेशन का काउंसिल यानी कि GCC के देश भारत के बड़े कारोबारी साझेदार में से एक है। इसलिए भारत को खाड़ी देशों के साथ ऐसा कूटनीतिक संबंध बनाना चाहिए जिससे भारत के आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक हितों को सुनिश्चित किया जा सके। खाड़ी क्षेत्र राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता से भरा हुआ है और भारत को हमेशा इस विषम परिस्थितियों के लिए तैयार भी रहना होगा। सऊदी अरब और ईरान के बीच संयुक्त शक्ति संतुलन को लेकर बड़ी तनातनी और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से कतर के बहिष्कार ने भारत को कूटनीतिक रूप से सभी पक्षों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, भारत स्वयं के हित सुरक्षित रख सके। आतंक का वित्त पोषण, प्रवासियों द्वारा भारत भेजी जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा का आधा हिस्सा आपके खाड़ी देशों से आता है। भारत को हस्तांतरित धन की एक महत्वपूर्ण राशि को अनौपचारिक हवाला प्रणाली के माध्यम से भेजा जाता है। आतंकवादी समूह इंडियन मुजाहिदीन के मुख्य वित्त अधिकारी अब्दुल वाहिद सिदी अप्पा द्वारा हवाला प्रणाली का इस्तेमाल करके UAE ने से भारत में धन स्थानांतरित किया गया। इसी तरह लश्कर ए तेवा ने 26/11 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए खाड़ी देशों से हवाला के माध्यम से धन प्राप्त किया था। यात्रा मार्ग की बात करें तो खाड़ी देशों का उपयोग सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए पारागमन बिंदु के रूप में किया जाता है।
2016 में 21 केरल वासियों 8 नाबालिगों में सहित ने आईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान की यात्रा की थी, जो संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान के शहरों से होकर गुजरे थे। वांछित अपराधियों की शरण स्थली भारत के लिए अभी एक चिंता का विषय है कि खाड़ी देशों का उपयोग देश के विभिन्न अपराधी व्यक्तियों द्वारा शरण स्थली के रूप में उपयोग किया जाता है। इन व्यक्तियों में दाऊद इब्राहिम प्रमुख है, जो 1992 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था और 26/11 के हमलों में भी इसकी संलिप्तता थी। हाल ही में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक राजनयिक के नाम वाले सामान से सीमा शुल्क अधिकारियों ने 30 किलोग्राम सोना बरामद किया था। ये राजनयिक बैग संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के पते पर जाने वाला था। यह घटना संगठित अपराध में नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका को पुनः केंद्र बिंदु में ला दिया है, जिसे राजनयिक चैनल का इस्तेमाल काफी चिंताजनक है। अब बात करते हैं आतंकवाद रोधी संबंधों को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण उपाय। ऐसे कई अन्य रास्ते हैं जिनके माध्यम से भारत और खाड़ी राष्ट्र अपने आतंकवाद विरोधी सहयोग का विस्तार कर सकते हैं। भारत को आतंकवादी हमलों को बाधित करने के लिए अपने साइबर सुरक्षा क्षमताओं और अधिक बढ़ाना चाहिए। हालांकि भारत ने चरमपंथ और कट्टरता को रोकने के लिए इन साइबर क्षमताओं को का पहले भी बेहतर उपयोग किया है। 2014 में ऑपरेशन चक्कीव्यूह के तहत भारतीय खुफिया विभाग ने इस्लामिक स्टेट के ऑनलाइन भर्तीकर्ताओं की भूमिका की पहचान करके लगभग 3000 युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों में भाग लेने से रोका था। इसी प्रकार 2017 में ऑपरेशन पीजन हॉल के तहत स्थानीय समुदायों और मौलवियों के सहयोग से 800 से अधिक युवाओं को कट्टरपंथी होने से बचाया गया था, जो अति संवेदनशील विषय वस्तु के ऑनलाइन प्रचार से प्रभावित हो रहे थे। इस तरह के ऑपरेशनों की सफलता के लिए भारत को खाड़ी देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करना चाहिए। वहां के स्थानीय सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण के लिए भी अपने साइबर विशेषज्ञों को भेजना चाहिए। संयुक्त साइबर प्रशिक्षण अभ्यास साथ साथ आतंक रोधी कार्यशालाओं के आयोजन से भारत और खाड़ी देशों के संबंधों को उत्कृष्टता प्रदान की जा सकती है। भारत द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद के सभी सदस्यों के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को आयोजित करना भी खाड़ी देश के आतंकरोधी संबंधों के विकास की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम होगा। आतंकवाद प्रतिक्रिया गतिविधियों को समन्वित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना भी है। भारत को खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों के साथ साथ बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास भी करना चाहिए। शहरी आतंकवाद की मौजूदा प्रवृत्ति और सुरक्षा बलों की इसे रोकने में असमर्थता के कारण शहरी आतंक से निपटने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। चूंकि भारत और खाड़ी देश दोनों ही शहरी आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त हैं, अतः इसे भी सहयोग के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है कि भारत और खाड़ी देशों में ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साझा प्रयास किए, लेकिन आईएस की हार और अलकायदा की क्षमताओं में गिरावट के बावजूद इस सहयोग को बढ़ाने को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि निकट भविष्य में आतंकवाद का खतरा बहुत कम होने की संभावना नहीं है। जिस तरह के आपसी विश्वास और मजबूत आर्थिक संबंध भारत और इसके खाड़ी सहयोगियों ने वर्षों से बनाए हैं, उसे देखते हुए इस आतंकरोधी सहयोग को बढ़ावा मिलने के भी पर्याप्त अवसर हैं। इसके अलावा भारत द्वारा कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वह OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा मिले और वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर अंकुश लगाते हुए अन्य आतंकवाद संगठनों पर संयुक्त कार्रवाई के जरिए दबाव भी बना सके। तो ये कहानी थी आपके खाड़ी देशों और भारत के संबंधों की।